टेलीविजन के लिए लिखा, कमाल लिखा, स्टेज के लिए लिखा, बेहतरीन लिखा, 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14.5 अगस्त, धरना, और अगर स्टेज को रिवाइव किया है तो अनवर मकसूद साहब ने ही किया है। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, शाह साहब का नारा है 13 साल से, हम परवरिश अहले कलम करते रहेंगे। आर्ट काउंसिल कराची या अहमद शाह साहब की 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस, एक बात की खुशी है, ये नहीं कहना पड़ रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लें, क्योंकि उन्हीं पर ये कॉन्फ्रेंस देखी जा रही है। मैंने शाह साहब से कहा, इस दफ़ा कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग किसी और से करवा लें, मुझे बख्श दें, 80 बरस उबूर कर चुका हूँ, थकन पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं आपको 4-5 लोगों के नाम बताता हूँ। मैंने नाम बताए और कहा कि इनमें से किसी को भी बुला लें। नाम सुनकर कहने लगे, अनवर भाई ये तो बग़ैर बुलाए भी आ जाएंगे। आपको कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग करना है, कुछ परेशान लग रहे हो अनवर। मैंने कहा हाँ, हमारा हाथी कंबोडिया चला गया है। हमने उसका ख्याल ठीक तरह नहीं रखा, सुना है हमारे शेर भी कतर मांग रहा है। अनवर भाई, अदबी कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस से जानवरों का क्या ताल्लुक? मैंने कहा शाह साहब, साकी फारूकी जिंदा होते तो आपके सवाल का जवाब दे देते कि अदबी कॉन्फ्रेंस से जानवरों का क्या ताल्लुक है। आर्ट काउंसिल कराची की अदबी कॉन्फ्रेंस, जहां हज़ारों का हजूम होता था, दालान, सहन, आंगन, हॉल भरे रहते थे, आज वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ शायर, अदीब और तनकीद निगार हैं, वो भी इसलिए कि वबा इन लोगों से महफूज है। जितने 12वीं कॉन्फ्रेंस में आए थे वो सब यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह इन सबको लंबी ज़िंदगी दे। आर्ट काउंसिल कराची को खाली देखकर मुसफ़ी का शेर याद आ गया, वो दिल्ली के कूचे हैं अब सारे खाली, खबे से खवा था जहाँ रोज़ छिलता। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क में भी एक वबा का नुज़ूल है, और ज़ाहिर है हमारा शहर भी इसमें मुब्तला है। मैं वबा के सिलसिले में तंज़ो मज़ाक से गुरेज करना चाहता हूँ, ये मामला इंतहाई संजीदा है, एहतियाती तदाबीर पर अमल नहायत ज़रूरी है, और फिर अल्लाह से ये उम्मीद है कि मरहला भी गुज़र ही जाएगा। इस बहर में हम जैसों पे हर मौजे पुरखूँ आ के गुज़र जाए हैं, क्या जानिए क्या हो। वबा के दौरान दुनिया भर में वबाई अदब भी लिखा जाता रहा है। खतूत गालिब में गालिब ने लिखा है, हाँ मियाँ, वबा आई थी पूरा शहर उजड़ गया, मगर 72 साल बूढ़े और 70 साल बुढ़िया को नहीं ले गई, सो लानत ऐसी वबा पर। उर्दू का बेहतरीन नावल तौबत नसू का आगाज़ भी हैज़े की वबा से होता है। अदब को छोड़िए, आसमानी किताबों में भी वबा का जिक्र मौजूद है। वबा क्यों आती है, किस लिए आती है, इस राज को हर आलिम, मुल्ला, पंडित अपने अपने अंदाज से सोचता है, मगर खुदा का फजल, ना तो मैं मुल्ला हूँ, ना पंडित, ना आलिम, इसलिए इस झगड़े में नहीं पड़ता, सिर्फ दुआ करता हूँ, जान तो जानी है मगर इस तरह ना जाए। अपने बुज़ुर्गों से वबाओं के किस्से सुनता रहता था, सुना है वबा आने से पहले हरे दरख्त सूख जाते हैं, जंगलों में जानवर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तब अल्लाह के बंदों को इल्म हो जाता है कि वबा आने वाली है।
वक्त के साथ साथ निशानियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। अब जंगलों में दरख्त इसलिए नहीं सूखते कि दरख्त काट दिए गए हैं। जानवर मुंह उठाकर नहीं रोते, खामोशी इख्तियार कर ली है। बहुत से जलावतन हो गए, दरख्त नहीं रहे तो चरिंद परिंद कैसे रहते। सिर्फ़ गरीबुल वतन कुत्ते शहरों में घूमते रहते हैं, वो क्यों रोएंगे। वो तो सड़कों पर खेलने वाले बच्चों का नरम मुलायम गोश खाते रहते हैं। बच्चे मर जाते हैं, कुत्तों की हयात में इजाफा हो जाता है। मैं कुछ और वबाओं का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनका तोड़ दुनिया की किसी लेबॉरेटरी में नहीं है। ऐसी वबा में जिनका कोई नाम भी नहीं है, जिनकी शक्ल रंग बिरंगी गोलों की तरह टीवी पर नज़र भी नहीं आती। सुना तो ये गया है कि जब इकदार की कीमत आटा दाल चावल की तरह बढ़ने और घटने लगे, तब इस वबा का नुज़ूल होता है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अल्लाह ताला के फजल करम से ये वबा तो चली जाएगी, इसका इलाज मुकम्मल हो रहा है। आज आर्ट काउंसिल की 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। मैं पहले आसमानी किताब का जिक्र कर चुका हूँ। हमारी आसमानी किताब तो एक है, मगर हमारी ज़मीनी किताबों ने आसमान सर पे उठा लिया है। हर महीने 6-7 किताबें मेरे पास आ जाती हैं। पिछले हफ्ते किसी खातून शायरा की किताब मेरे पास आई, साथ एक ख़त भी था, अनवर साहब आप मेरी किताब के बारे में कुछ लिख दें। किताब पे कवर पे खातून की तस्वीर थी, बाल खुले हुए थे, काफ़ी खुश शक्ल लग रही थी। मैंने लिखकर भेज दिया, जब लिखने वाली खातून का चेहरा किताबी हो तो फिर किताब पढ़ने को जी नहीं चाहता। दाग का शेर भी लिख दिया, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पहले मैं हाथ में कुरान उठा लूँ तो कहूँ। मेरी एक रिश्तेदार हैं, 65 बरस की हो गई हैं, अचानक उन्होंने शायरी शुरू कर दी। मुझसे एक दिन कहने लगी, अरे अनवर, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। मैंने कहा, शाहाना, तुम तो खुद शेर कहती हो, तुम पूछ रही हो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। कहने लगी, दूसरे काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इसलिए भूल गई। मैंने कहा, मर्द हजरात जो गज़ल कहते हैं उसको मतला कहते हैं, तुम्हारी गज़ल होगी मतली। तुम्हारी गज़ल का पहला शेर होगा मतली। कहने लगी, बकवास मत करो। मैंने कहा, मैंने आपकी गज़लें पढ़ी हैं इसलिए कह रहा हूँ। कहने लगी, अनवर, गज़ल अच्छी हो या ना हो, नीयत अच्छी होना चाहिए। मैं आर्ट काउंसिल के मुशायरे में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, पहले आप अपना कलाम किश्वर नाहिद को दिखा दें, उसके बाद वो आपसे जहाँ जाने को कहें वहाँ चली जाए। इस कॉन्फ्रेंस की दुनिया भर में धूम है, चारों सूबों के अदब पर बात की गई। 100 साल पंजाबी अदब, 100 साल पश्तो अदब, सिंधी अदब, बलोची अदब, सब पर बात हुई। मगर हैरत की बात है, किसी ने भी 73 साल पाकिस्तानी बेअदबी पर बात नहीं की। अक्सर बुज़ुर्गों ने तो अपने बच्चों से कहा है कि टीवी पर सियासी टॉक शोज़ मत देखा करो, असेंबली की बराह रास्त कार्रवाई मत देखा करो। बातचीत का भी एक अदब होता है, सवाल जवाब का भी अदब होता है, एक तहजीब होती है। तू तुम तेरी से गुफ्तगू शुरू नहीं की जाती। गालिब ने भी पहल आपसे की थी, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया, यहाँ तुम में बदतमीज़ी नहीं है। शाह साहब से दो महीने पहले मैंने कहा था, इस दफ़ा अदबी कॉन्फ्रेंस ना करें, अच्छा नहीं लगेगा, स्टेज पर शायर अदीब तनकीद निगार ढाटा बांधे बैठे होंगे।
शाह साहब कह लेंगे मैं कसम खाता हूँ वो ढाटा पहनकर अनवर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैंने कहा फिर आप उन सबको चुप रहने दें, ढाटा उतारने की इजाज़त ना दें। कहने लगे उर्दू कॉन्फ्रेंस चुप कैसे हो सकती है। मैंने कहा जब चुप शाह का रोज़ा हो सकता है तो चुप शाह की उर्दू कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती। चुप शाह का रोज़ा मन्नत के लिए रखा जाता है। शाह साहब अगर ये सब चुप रहे तो हमारी कौमी ज़बान को बहुत फ़ायदा होगा। कहने लगे आप मुझे परेशान लग रहे हैं, कुछ भिजवा दूँ शाम के लिए। मैंने आतिश का शेर सुनाया, ख्वाब में मुझको ख्याले नरगिसे मस्ताना था, आँख खोली तो लबालब उम्र का पैमाना था। ख्वाब में मुझको ख्याले नरगिसे मस्ताना था, आँख खोली तो लबालब उम्र का पैमाना था। मोहतरम ज़ियाउल्लाह साहब तकरीबन 12 बरस पाकिस्तान के सदर रहे, ये वक्त सबसे ज़्यादा था। अहमद शाह साहब 13 बरस से आर्ट काउंसिल के सदर हैं और शाह साहब ने आर्ट काउंसिल के लिए बहुत काम किया है, काम कर भी रहे हैं और हालात बता रहे हैं कि करते रहेंगे का मतलब है कि अगले बरस भी इसी कुर्सी पर होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन से पहले अदबी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाती है और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले शाह साहब से वादा किया था, कहा था आप एक वादा करें फिर मैं कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में आ जाऊँगा। कहने लगे कैसा वादा अनवर भाई। मैंने कहा आर्ट काउंसिल में मेरा ताज़ियती प्रोग्राम नहीं होगा। बग़ैर सोचे समझे मेज़ पे हाथ मार कर कहने लगे अनवर भाई वो तो होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मकसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कदर खूबसूरत आपसे आपकी गुफ्तगू रही और आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब फूल पेश कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब को। और यह कॉन्फ्रेंस जो 4 रोज़ जारी रही शेर व अदब की, और इसमें बड़े बड़े नामवर शुअरा अदीब तशरीफ़ लाए। शाह साहब आपको मुबारक हो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और एक दुआ है शाह साहब के लिए, किसी दुख का बादल तुम्हें छू ना पाए, दुखों से खुदा तुमको हर दम बचाए, मुकम्मल हो हर आरजू ज़िंदगी की, अधूरी कोई भी खुशी ना रह जाए। ये दुआ शाह साहब के लिए। और आप देख रहे हैं कि स्टेज पे मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब, हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, और आज सिंध कल्चर डे है तो सबको जो है वो अजरक पहना रहे हैं। और सिंध कल्चर डे के हवाले से तमाम मेहमानों को अजरक पेश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि मेरी भी अजरक होगी। और सिंध कल्चर डे के हवाले से शाह साई की एक बैत, अव्वल अला अलीम आला आलम जो धनी, कादर पंहिंजी कुदरत सीं कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहु राज़िक रब रहीम, सो सारा है सचो धनी चे हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ाऊं जोड़ जहान जे। तो सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में जनाब इकबाल लतीफ़ साहब तशरीफ़ ले आए इज़हार तशक्कुर के लिए। हेलो हेलो मेंबर्स आर्ट्स काउंसिल, मोहतरम मेहमानान गिरामी, गवर्निंग बॉडी की जानिब से
और अहमद शाह की जानिब से ये जो रस्म है इख्तितामी इजलास की, उसका रस्मन शुक्रिया अदा करने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे काम की दोबारा इब्तिदा होगी, इसके लिए आप सबके ताबुन का और आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपके यहाँ तशरीफ लाने, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने और उन लोगों को जिन्होंने अपने घरों पर भी बैठकर इस कॉन्फ्रेंस को हमारे डिजिटल तरीके से देखा, टेलीफोन्स किए, मैसेजेस किए, पैगामात भेजे, उन सब को हम फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करने की बजाय इज्तिमाई तौर से हम यकीन दिलाते हैं कि आप आइंदा भी इससे बढ़कर काम करते हुए अहमद शाह और उसकी टीम को देखेंगे। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया और मेहमानाना गिरामी का भी बेहद शुक्रिया। इकबाल भाई, अच्छा एक शुक्रिया रह गया, वो पूरा मीडिया जिसने सारी दुनिया तक हमें, एक मिनट इकबाल भाई आप छोड़ो, अच्छा और वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर चैनल सुहेल अहमद साहब का बीपर करना चाहते हैं, हम ऑडिटोरियम के बाहर करेंगे, तो आप वहाँ कैमरे लगाएं, मैं सुहेल साहब को लेके आ रहा हूँ, बाकी लोग भी आ रहे हैं, आप जिससे बात करना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।